देखो भाई, सीधा वाला नो बकवास। हमने एक रील बनाया, आई नहीं गाना आया है, पवन भैया ने गाया है स्त्री टू में। उस गाने के रील बनाने के बाद बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जो मुझे लगा कि इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। पहली बात यह है कि चाहे वो भोजपुरी का कोई भी स्टार, सुपरस्टार, आज खुद कोई नया गाना गाने वाला कलाकार हो, अगर सबका देखा जाए तो सबकी, जितने भी लोग हैं, सबकी उपलब्धि एक ही है, भाषा भोजपुरी। और हम जितने भी कलाकार भाषा भोजपुरी से जुड़े हैं, आज भले कोई बॉलीवुड पहुंचे, हॉलीवुड पहुंचे, कोई सांसद में पहुंचे, कहीं पहुंच जाए, लेकिन सबका वजूद भोजपुरी ही है। और मुझे लगता है कि जब भी हमारा भाषा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम कमा रहा है भाषा भोजपुरी, और जब भी हमारा भाषा भोजपुरी कुछ भी नया करे, तो उस समय हमें ये बात भूल जाना चाहिए कि कौन किसके लिए रील बनाया है, नहीं बनाया है, काम किया है नहीं किया है, सपोर्ट किया है नहीं किया है, क्योंकि उस समय हम सिर्फ अपने भाषा भोजपुरी को ऊंचाई पर जाते हुए देखते हैं। अगर आज पवन भैया कहीं भी सर्च हो रहे हैं तो पवन भैया की सर्चिंग यही होगी कि पहले पवन भैया भोजपुरी के सुपरस्टार गाए थे, फिर उन्होंने स्त्री टू में गाना गाया है, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है, और इससे पहले भी मनोज भैया ने गाया है। आज जो मनोज भैया रास्ता बनाए, आज ठीक है वो सांसद हो गए,